राजस्थान के जालौर में पटाखे जलाने के दौरान एक घर में अचानक आग लग गई। आग लगने से घर में गाय के चारे से भरे 5 टोलों में आग लग गई। गनीमत यह रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं आई हुई है। राजस्थान के साचौर में दीपावली के मौके पर वीराई माताजी मंदिर के दीपोत्सव महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर मंदिर पर 1100 दीपों को प्रज्वलित करके दिवाली मनाई गई। देश भर के साथ साथ राजस्थान के जालौर में भी दीपावली उत्सव बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। दिवाली के मौके पर घर आंगन को दुल्हन की तरह सजाया गया, साथ ही घर घर माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना भी हुई। बिक्री करने के आरोप में पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, साथ ही दुकानदारों के पास से विस्फोटक सामग्री भी बरामद की है। जालौर के थानाधिकारी ने बताया कि कस्बे में अवैध रूप से दीपावली पर कैबिन और लरियों पर खुलेआम पटाखे बेचने से सूचना मिली, जिसके अनुसार पुलिस ने कार्रवाई की है। बाजारों में रौनक रही, लोगों ने जमकर बाजार से दिवाली की शॉपिंग की। वही बाजार में नन्हे मुन्ने बच्चों में पटाखे खरीदने के लिए काफी उत्साह नजर आया। खबर राजस्थान के जालौर से है। यहाँ पर लोक देवता बाबा रामदेव के समाधि स्थल को फूलों से सजाया गया। पुष्कर निवासी जीवन लाल ने बाबा रामदेव के मंदिर को फूलों से सजाया। खबर राजस्थान के पाली से है। यहाँ पर कुछ असामाजिक विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही राजस्थान के जालौर में टिकटों को लेकर घमासान शुरू हो चुका है। बीजेपी के वर्तमान विधायक पूरा राम चौधरी ने अपनी दावेदारी पेश की, तो वहीं बीजेपी के रमेश पुरोहित और नगर पालिका अध्यक्ष सावला राम देवासी भी अपनी मजबूत दावेदारी मान रहे हैं। जालौर में कांग्रेस में भी टिकटों को लेकर घमासान जारी है। रमेश पुरोहित कांग्रेस से चुनावी मैदान में है। सभी दावेदारों ने जनता से समर्थन लेना शुरू कर दिया है। अब देखना ये होगा कि जनता किस उम्मीदवार पर जीत की मोहर लगाती है।